भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश, एक ऐसा देश जिसकी कुल आबादी का 65% हिस्सा 18 से 35 साल के बीच है। देश की अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें स्किल्ड मैन पावर की भारी मात्रा में कमी है। सही कौशल ना होने के कारण उत्पाद में गिरावट आती है, जिससे उद्योग जगत को काफी नुकसान होता है। दूसरी ओर देश में एक बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जिन्हें अच्छे रोजगार की तलाश है। इन युवाओं को अगर कुशल बनाया जाए तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि उत्पाद जगत के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं, और इसलिए हमारे देश के लिए कौशल विकास बेहद महत्वपूर्ण है। कौशल विकास से न सिर्फ देश की आर्थिक बेहतरी होती है बल्कि युवाओं की महत्वाकांक्षा, अच्छी गुणवत्ता, आमदनी में बढ़ोतरी और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलते हैं। मैं एक गाउन बनाई हूँ जो मेरे पापा देख के बिलीव नहीं करते कि मेरी बेटी ने बनाया है, तो बहुत उनको मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी चलो कुछ अच्छा करती है। मैं जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, आगे समय में हमको खुद का बुटीक खोलना है। देश के युवाओं के कौशल विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में लॉन्च किया। PMKVY के अंतर्गत 10वीं पास, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट युवाओं के लिए निशुल्क शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाते हैं। इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में कैंडिडेट्स अपनी रुचि अनुसार मन चाहे जॉब रोल में एडमिशन ले सकते हैं। ट्रेनिंग की अवधि 150 से 300 घंटे की होती है। ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स को टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ बोल चाल के तरीके, फाइनेंस की जानकारी, डिजिटल साक्षरता और उद्यमशीलता के बारे में सिखाया जाता है। कोर्स में एडमिशन लेने पर सभी कैंडिडेट्स को इंडक्शन किट व ट्रेनिंग संबंधित किताबें निशुल्क दी जाती हैं। ट्रेनिंग पास करने पर सभी कैंडिडेट्स को स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उनकी कुशलता का प्रमाण पत्र होता है। इस सर्टिफिकेट द्वारा कैंडिडेट्स संगठित उद्योगों और कारखानों में रोजगार लेकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग सेंटर्स पर रोजगार मेला भी आयोजित किया जाता है, जहाँ प्रमुख कंपनियाँ हिस्सा लेकर ट्रेन्ड कैंडिडेट्स को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। अभी जब मैंने बताया कि पापा मैं सैमसंग में सिलेक्ट हो गया तो सबसे ज़्यादा पापा खुश हुए। पापा जब बोलते हैं ना कि बेटा इस महीने के पैसे खत्म हो गए, तो ऐसा प्राउड फील होता है कि चलो अगले महीने की जब सैलरी आ जाएगी मैं पापा को सेंड कर दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत दुनिया की कौशल राजधानी बने। PMKVY इस सुनहरे सपने को साकार करने की शुरुआत है। कौशल भारत, कुशल भारत।